नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हिमालय की गोद में स्थित शिव व शक्ति की परम पावन नगरी पिथौरागढ़ की पवित्र भूमि में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन 17 जून से होने जा रहा है। कथा के मुख्य आयोजक चिटकल ग्राम निवासी हाल निवासी पिथौरागढ़ श्रीमती एवं श्री पूरन चंद्र पंत ने बताया कि पिथौरागढ़ शहर के कृष्णापुरी क्षेत्र में 17 जून से आयोजित होने जा रहे 11 दिवसीय श्री शिव पुराण को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह व उमंग है। श्री पंत ने बताया कि प्रसिद्ध कथावाचक व्यास श्री किशोर जोशी अपनी मधुर ओजस्वी वाणी से श्री शिव महापुराण कथा का वाचन करेंगे। उन्होंने बताया कि ये कथा चिटकल भूमि के विराट आध्यात्मिक पुरुष स्वर्गीय श्री दुर्गा दत्त पंत जी एवं समस्त पितरों की मधुर स्मृति में क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं मंगल कामना को लेकर आयोजित की जा रही है। श्री पंत ने सभी इष्ट मित्रों ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में 17 तारीख से आयोजित होने वाले श्री शिव महापुराण कथा एवं भव्य कलश यात्रा में भाग लेकर अपने जीवन को धन्य करें। इधर प्रसिद्ध कथावाचक श्री किशोर जोशी जी ने बताया कि क्षेत्र में श्री शिव महापुराण का आयोजन होना अपने आप में परम सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा, जब मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब जीवन में श्री शिव महापुराण कथा करवाने एवं सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्होंने समस्त पिथौरागढ़ वासियों का आह्वान करते हुए कहा कि श्री पूरन चंद पंत एवं उनके परिवारी जनों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस महासौभाग्यशाली अवसर का लाभ लेकर भगवान शिव की कृपा को अवश्य प्राप्त करें। पिथौरागढ़ से रमाकांत पंत की रिपोर्ट। सर्व की भक्तों को भाग्य वाले भवन के भगवान शिव की जय हो।